केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जो इस वक्त जानकारी मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से, गिरफ्तारी तभी हो जब पर्याप्त सबूत हो, पर्याप्त तथ्य हो, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, देश की सर्वोच्च अदालत का। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के लिए पैरामीटर तय करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, ऐसी याचिकाओं पर मिनी ट्रायल होगा तो जांच कैसे बढ़ेगी। ईडी के वकील ने अपनी दलीलें रखी हैं कोर्ट के भीतर। और सुप्रीम कोर्ट से और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पीयूष, दर्शकों की जानकारी के लिए सबसे पहले तो ये बताइए, आज की सुनवाई का आधार क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने सबूत को लेकर, तथ्यों को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। बिल्कुल निधि, देखिए पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये पूछा था कि इस मामले में आखिर जमानत क्यों नहीं दी जा सकती है, जबकि इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है वो अचानक, जबकि चुनावों की घोषणा हो चुकी थी और याचिका में भी चुनावों का हवाला दिया गया है। ऐसे में ईडी की ओर से साफ किया गया है आज कि किसी भी तरह से राजनीतिक दुर्भावना या द्वेष कारण नहीं था गिरफ्तारी को लेकर के। सेक्शन 19 पीएमएलए की जो पूरी प्रक्रिया है उसको निभाया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि आपके पास सामग्री होनी चाहिए और उस सामग्री में ये विश्वास होना चाहिए कि गिरफ्तारी अगर की जाती है तो वो सही तथ्यों पर आधारित होगी। और ईडी ने भी ये साफ किया है कि राघव मुंगटा के बयान तक कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी जबकि अरविंद केजरीवाल का जो नाम है वो सामने आया हो इस शराब नीति घोटाले मामले में। और ये जो बुच्ची बाबू का बयान था उसके बाद उनकी भूमिका सामने आई और गोवा में एक 7 सितारा होटल लिया गया था, उसका बाकायदे जो पेमेंट किया गया था वो लाखों रुपए में था। और ये सारे आधार ईडी के पास हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की इस मामले में भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट लगातार पिछले 1.5 घंटे से इस मामले में सुनवाई कर रहा है और जस्टिस संजीव खन्ना इस मामले के हर एक पहलू पर गौर कर रहे हैं। उनका ये साफ कहना है कि पीएमएलए की धारा जो 19 है उस पर आप बयान, अपना जो आधार है वो बताइए, क्योंकि ये मामला सीमित है, गिरफ्तारी में जो प्रक्रिया है वो सेक्शन 19 के तहत पूरी की गई है या नहीं की गई है और जो सामग्री है ईडी के पास वो कितनी पुख्ता है और जो साक्ष्य हैं, क्योंकि इसमें लगातार केजरीवाल की ओर से ये कहा जाता रहा, ये दलील दी जाती रही उनके वकीलों की ओर से कि इस मामले में जो गिरफ्तारी की गई है वो महज बयानों पर आधारित है, जबकि ईडी ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले में जो मनी ट्रेल है वो भी उसके पास है और उसके पास सिर्फ एक आधार नहीं है कि गवाही के बेसिस पर ही गिरफ्तारी की गई हो। ये ज़रूर है कि उनकी भूमिका एक गवाही जो बुच्ची बाबू की गवाही थी उसके बाद सामने आई और उसके बाद उनको ईडी की ओर से सम्मन भेजे गए और इसके बाद पूरी प्रक्रिया को निभाते हुए गिरफ्तारी की गई। अभी इस मामले में सुनवाई चल रही है, पूरा मामला दरअसल एएसजी और एएसजी कोर्ट में इस वक्त चल क्या रहा है। रोक रही हूँ पीयूष आपको, आपने ये बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब तथ्य हाथ में हो, सबूत हाथ में हो तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये टिप्पणी आई, तो दूसरी तरफ ईडी भी कह रही है कि मिनी ट्रायल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो जांच कैसे आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष ये अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स इस मामले में बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट से। आगे भी आपका रुख करेंगे, फिलहाल शुक्रिया।